गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सुदेवन बिचार का यूट्यूब चैनल में। तो आज वक्त आ गया है, मैं उडुपी से वापस गोवा जा रहा हूँ अपने घर। उडुपी को अलविदा कहते हुए शुरू कर रहे हैं एक नया मोटो ब्लॉग रिटर्न जर्नी का। कुछ सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाऊंगा आपको वेस्टर्न घाट्स का जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, ये उडुपी सीरीज़ का हमारे चैनल का लास्ट व्लॉग है, रिटर्न जर्नी का व्लॉग। कैसे लगा आपको उडुपी का वीडियोस? नेक्स्ट कहाँ जा सकते हैं आप एडवाइस या सजेशन दे सकते हैं हमें? तो मैं ये सोचकर चल रहा हूँ कि आपने देखा होगा उडुपी का पूरा सारे जितने वीडियोस मैंने डाला था। कैसे लगा आपको वीडियोस? आपकी तरफ से कोई सजेशन कैसे इसको बेटर कर सकता हूँ, और क्या आप देखना पसंद करोगे, कौन कौन से जगह, ज़रूर हमको लिख के कमेंट में या हमारा ईमेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसमें ज़रूर बताना। तो उडुपी को गुड बाय कहते हुए मैं निकल पड़ रहा हूँ गोवा की तरफ। वही अराउंड 5.5 आवर्स की जानी है, 300 किलोमीटर्स की दूरी है। बने रहिए साथ में। अब थोड़ी देर में मैं नेशनल हाईवे 66 ले लूँगा यहाँ से। अभी मेन उडुपी का बाईपास से मैं निकल रहा हूँ। उडुपी नहीं, ये मणिपाल है एक्चुअली, क्योंकि मैं मणिपाल में था। ये मणिपाल बाईपास है, उडुपी यहाँ से 5 किलोमीटर्स है। तो उडुपी हम एंटर नहीं करेंगे, हम उडुपी को साइड में रखते हुए नेशनल हाईवे 66 पर स्ट्रेट जाके अपना डाउनवर्ड जर्नी करेंगे। तो दोस्तों, फाइनली आगे से थोड़ा लेफ्ट लेके आप देख ही सकते हो मेरा टू व्हीलर जा रहा है, जैसे मेरा स्कूटर जैसे जा रहा है। यही सामने आपका आ गया नेशनल हाईवे 66। अब इस हाईवे पर एकदम स्ट्रेट, बाय बाय उडुपी, बाय बाय मणिपाल, सी यू अगेन। तो दोस्तों, 9:30 बजे करीब मैंने स्टार्ट किया मणिपाल से, तो देखते हैं कितने बजे गोवा जाके पहुँचेंगे। कुंदपुरा कारावारा 214, कुंदपुरा 33, पानाजी 316। पानाजी मतलब हो गया पंजिम, कैपिटल ऑफ गोवा, 316। तो पानाजी तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं साउथ गोवा जाऊँगा। एक्चुअली पानाजी जाने के लिए साउथ गोवा होके ही जाना पड़ता है। ये नेशनल हाईवे 66 ही जाता है पूरा स्ट्रेट एकदम। दोस्तों, जितना दिन मैं रहा यहाँ पे, 4-5 दिन, जितना तक मैं देखा उडुपी सिटी को, मणिपाल को, जितना करीब से देखा, जो सोच के आए थे कि छोटा सा डिस्ट्रिक्ट होगा, एक गांव जैसा फीलिंग होगा, लेकिन मैं गलत था। उडुपी मेरे को लगा जस्ट लाइक बेंगलोर, अ स्मॉल बेंगलोर, मिनी बेंगलोर रादर। वीकडे ट्रैफिक फ्लो अभी बढ़ रहा है, यहाँ पे रास्ता थोड़ा ख़राब है। इसी रास्ते में आने का दिन मैं बारिश में पूरा बुरी तरह से फंस गया था, ज़बरदस्त थंडर स्टॉर्म। बारिश तो ठीक है, थंडर स्टॉर्म के साथ एकदम ज़बरदस्त बारिश, पूरा गीला गीला होकर मैं होटल पहुँचा। कुछ देख नहीं पा रहा था, कैसे मैं चलाया, कैसे मैं राइड किया उस दिन, मेरे को और ऊपर वाला को पता है। बहुत ही खतरनाक राइड था वो, लास्ट जो 30 मिनट्स का जो स्ट्रेच था, बहुत ही खतरनाक वाला चीज़ था वो। चलिए, पहला रिवर आते वक्त जैसे देखा आपने, दोस्तों देखिए, जाते वक्त याद है आपको जो मेरा गोवा से उडुपी का जो जर्नी था, जो वीडियो मैंने किया था, तो मेरा राइट हैंड साइड में ये सी पड़ा था, अरबियन सी। अब मैं लौट रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट में पड़ा, बाया साइड में। तो मैं सोचा थोड़ी देर क्यों ना रुक जाऊँ और आपको दिखाऊँ नज़ारा। देखिए,
पूरा एकदम जहाँ तक नज़र जाएगा वहाँ तक आपका सही है। दूर में देखिए सब फिशिंग बोट्स, कितना सुंदर नज़ारा है दोस्तों, देखिए बढ़िया लग रहा है, बहुत ही सुंदर है। दोस्तों नज़ारा देखिए सामने, क्या नज़ारा है, एक माउंटेन से दूसरा माउंटेन अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ, कभी नीचे जा रहा हूँ तो कभी ऊपर चढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों उडुपी से नेशनल हाईवे 66 पर अब तक का जर्नी मैं तय किया हूँ 171 किलोमीटर, 171 किलोमीटर ऑलरेडी ट्रैवल मैं कर चुका हूँ और आप सामने देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है, गंगावती रिवर देखिए, दोस्तों याद है जब मैं जा रहा था तो इसी पॉइंट में खड़ा होकर आपसे बात किया था। बहुत ही सुंदर ये गोवा से उडुपी और उडुपी से गोवा का जो रास्ता है बहुत बहुत सुंदर है, इतना अच्छा सीनिक ब्यूटी है। इनफैक्ट ये जो पूरा इन 66 का जो पूरा लेंथ है पनवेल से लेके अप टू कन्याकुमारी तक, ये पूरा एकदम स्ट्रेच आपको बहुत बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर नज़ारे है दोनों साइड, क्या नज़ारे है। वो ऊपर घर भी है, होटल है कि घर है कि क्या है पता नहीं, लेकिन कुछ तो है। समुंदर को साइड में रख के और पहाड़ों का रास्ता चढ़ते हुए मैं 170 किलोमीटर ऑलरेडी क्रॉस कर चुका हूँ दोस्तों, लेकिन हो गया एक प्रॉब्लम, मेरा पेट्रोल एकदम, आप देख सकते हो क्या, पेट्रोल ख़त्म, क्या करें अभी दोस्तों, क्या करें, शी कैन नॉट, रिजर्व में ऑयल है, मैं कैरी कर रहा था तो उसको अभी डालेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है मेरा रिजर्व पेट्रोल, जो लोग मोटर व्लॉगिंग करते हैं वो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखते हैं कि कहीं पे भी जाए साथ में ये रहे एक्स्ट्रा। दोस्तों तेल मैंने डाल लिया और करते जाने स्टार्ट, लेकिन उसके पहले थोड़ा देख लेते हैं, गूगल दिखा रहा है अभी 2 घंटे का सफ़र और तय करना है, स्टार्ट हो गया, जय साईं। दोस्तों टोल प्लाजा याद है आपको,
जाते वक्त कितना टोल प्लाजा दिखाया था आपको? अभी पीछे तीन ऑलरेडी छोड़ क्रॉस कर चुके हैं, टोल प्लाजा तीन पीछे छोड़ के आए, अब ये चौथा वाला है, लगता है यही लास्ट है। जाते वक्त ये पहला पड़ा था हमको, फर्स्ट था। रोड क्लोज्ड टेक डाइवर्सन, बढ़िया है। तो दोस्तों 186 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, 9:30 बजे निकला था, अब 1:10 ऑलमोस्ट 4 घंटा, ऑलमोस्ट 4 आवर्स। ओ ये रास्ते पे काम हो रहा है इसीलिए ये दूसरा लेन को अभी 2-way कर दिया, अदरवाइज ये 4-lane हाईवे है। इधर काम हो रहा है, देखते देखते दोस्तों 4 घंटा बीत गया राइड करते करते। लग रहा है ये तो कुछ देर पहले, 1/2 घंटा पहले उड़ी पीछे निकला ऐसे लग रहा है, लेकिन 4 घंटा बीत गया। ना जाएगा ना जाने देगा, ये इसको देखो इसको देखो। दूर से ये पहाड़ नजर आ रहा था, अभी कितना नजदीक आ गया। अरे कर क्या रहा है रे, हाईवे का बीच में खड़ा होकर फोटो लेना है, सेल्फी लेना है, क्या क्या नहीं करना है, ड्राइविंग एथिक्स जानता नहीं है ये लोग, नॉनसेंस। दोस्तों डाइनी तरफ देखिए, ओहो क्या व्यू है, क्या व्यू है दोस्तों। जाते वक्त ही मेरे लेफ्ट में था इसलिए उतना अच्छी तरह से दिख नहीं पाया, मस्त नजारे है दोस्तों। टनल याद है आपको, जाने का टाइम दिखाया था कितना टनल है बोले तो 2 टनल, ये पहला, अब आगे दूसरा। एक टनल क्रॉस कर गया, अभी आ रहा है दूसरा टनल। दोस्तों देखिए कारवार सी बीच, तो कारवार को बाई तरफ गुड बाई कहते हुए हम लोग अभी बहुत जल्दी करेंगे एंट्री गोवा में। ये मेरे लेफ्ट में जो आप देख रहे हो ना सी बीच, ये कारवार है, कर्नाटका में पड़ता है, जस्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ गोवा एंड कर्नाटका। ब्यूटीफुल सी बीच है, यहाँ पे कुछ नेवी का देखिए पुराना शिप, पुराना प्लेन इंस्टॉल कर रहा है, का काम चल रहा है, ये शायद म्यूजियम के तौर से इसको रखेंगे। तो दोस्तों 212 किलोमीटर, 212 किलोमीटर और 4.5 घंटा 45 मिनट्स, 4 आवर्स 45 मिनट्स राइड मेरा अब तक हो चुका है। दोस्तों ये मेरे बाएं तरफ जो रिवर आप देख रहे हो ये है काली रिवर, ये काली रिवर एकदम स्ट्रेट जाके आप देख सकते हो, एकदम मेरा उंगली बराबर देखिए मतलब वो स्ट्रेट जाके अरेबियन सी में मिल रहा है। कितना खूबसूरत जगह है आप सोचिए, आप देखिए ये रिवर जाके यहाँ से नीचे से जाके वो जाके वहाँ पे अरेबियन सी में मिल रहा है, देखिए क्या नज़ारा है दोस्तों, क्या नज़ारा है। नेक्स्ट ट्रिप लगता है कारवार करेंगे, बहुत ही खूबसूरत एक बीच रिसोर्ट है ये, बढ़िया है। चलिए सामने देखिए दोस्तों,
यहाँ नज़ारा है देखिए, इस साइड से जाने से ये रिवर आके ये लेफ्ट में जाके मिल रहा है सी में। क्या ब्यूटीफुल जगह है। वो ऊपर कुछ होटल या ऐसा कुछ गेस्ट हाउस वगैरह है, जरा सोचिए वहाँ से व्यू कैसा होगा। तो कारवार दोस्तों हम लोग कर चुके हैं क्रॉस, 225 किलोमीटर्स अब तक का जर्नी हो चुका है ख़त्म, और आप देख सकते हो पानाजी 101 किलोमीटर, लेकिन पानाजी हमको जाना नहीं है, हम लोग को जाना है कहाँ, मरगाओ। गुड बाय कर्नाटका, बाय बाय, थैंक्स फॉर योर विजिट, प्लीज़ विजिट अगेन। दोस्तों कर्नाटका बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और एंट्री ले रहे हैं गोवा में। ये देखिए बॉर्डर है, ट्रक को उस साइड से पास होना है, पता नहीं क्यों। फाइनली गोवा पहुंच गए, अब यहाँ से घर पहुंचने में लगेगा 1 घंटा, 2:07 और करीब 3 बज जाएगा घर पहुंचते पहुंचते। 230 किलोमीटर अब तक तय कर चुका हूँ, यानी कि कवर कर चुका हूँ। तो ये एक्चुअली गोवा का कैनाकोना डिस्ट्रिक्ट है, कैनकोना या कैनाकोना जो भी आप बोले, कैनकोना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोवा, विच इज़ द एक्सट्रीम साउथ पार्ट ऑफ गोवा, एक्सट्रीम साउथ, इसके बाद ही कर्नाटका स्टार्ट हो जाता है। देखिए फॉरेस्ट एरिया है पूरा, लोलेन पेदेम रेलवे स्टेशन। कैनाकोना साउथ गोवा का एक बहुत ही सुंदर डिस्ट्रिक्ट है, खूबसूरत पीसफुल, बहुत ही अच्छा जगह है कैनकोना। दोस्तों नज़ारा देखिए, नज़ारा देखिए, नज़ारा देखिए, क्या सीन है, अल्टीमेट अल्टीमेट व्यू है ये, इसको अल्टीमेट व्यू बोलता है। देखिए तो दोस्तों मैं ऑलमोस्ट घर पहुंच चुका हूँ, 285 किलोमीटर्स अभी भी थोड़ा बाकी है, लेकिन ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ। तो इस वीडियो के साथ गोवा टू उडुपी एंड उडुपी टू गोवा, यानी कि उडुपी सीरीज यहीं पे करता हूँ ख़त्म, और मिलते हैं अगला ब्लॉग में। तो आपको ये उडुपी सीरीज कैसे लगा डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा, मोटो ब्लॉगिंग कैसे लगा, मेरा ज़िंदगी का पहला मोटो ब्लॉग कैसे लगा आप लोगों को, ये भी ज़रूर बताना कमेंट में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलता है अगला एक नया ब्लॉग पर, नया वीडियो में, और टिल देन गुड बाय।